जिस नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में इतना बवाल हुआ उसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक आरटीआई याचिका में पता चला है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए बनने के बाद भी संबंधित संसदीय समिति को अब तक इसके नियम ही नहीं मिले हैं। आरटीआई के जवाब में सरकार ने कहा कि एक्ट 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ, लेकिन सीएए पर भ्रम जारी है। ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय ने नियमों को फ्रेम नहीं किया है क्योंकि संसदीय समिति उनका इंतजार कर रही है। दरअसल सीएए को लागू होने के बाद क्राइटेरिया कहता है कि गृह मंत्रालय को नियमों को फ्रेम करना चाहिए और संबंधित कानून के लागू होने के 6 महीने के भीतर संसदीय समिति को भेजना चाहिए था या फिर इसके लिए और वक्त मांगना चाहिए था, लेकिन इसमें से कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। बता दें कि इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समूहों यानी हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।